स्पाउजल ओपन वर्क परमिट स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो स्पाउसेस हैं कनाडा में आना चाहते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, दुबई से, जिस भी कंट्री में है, उनके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है अगर वो स्पाउजल ओपन वर्क परमिट लगवाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हाल ही में अपडेट आया था उसके अकॉर्डिंगली कुछ ही हफ्तों में वो जो स्पाउजल ओपन वर्क परमिट मिल रहा था जो कनाडा में स्टूडेंट वीजा पे आ रहे थे, वो बंद होने वाला है और उसका दोबारा से अपडेट उसके ऊपर आ गया कि दे आर वर्किंग ऑन इट। आने वाले टाइम में सिर्फ मास्टर्स, पीएचडी, लॉ या फिर मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में होंगे उन्हीं के स्पाउसेस को स्पाउजल ओपन वर्क परमिट मिल पाएगा। इसी की वजह से आपके पास अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, इनफैक्ट कुछ ही दिन, कि आप अपना स्पाउजल ओपन वर्क परमिट का जो एप्लीकेशन है उसको इन करने के लिए। और ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे लोगों के स्पाउजल ओपन वर्क परमिट एक्सेप्ट भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों के स्पाउजल ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज भी हुए हैं। इस प्रॉब्लम से कैसे जूझा जा सकता है या कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है और क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका अगर स्पाउजल ओपन वर्क परमिट अब आप डालते हो तो रिफ्यूज ना हो, अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवा दूं उन दोस्तों के लिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, मैं हूं एक पोएट, व्लॉगर और CICC सर्टिफाइड, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की, क्योंकि हाल ही में जो अपडेट्स आए हैं कनाडा इमिग्रेशन के, और कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने ये बोला था क्लियरली कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिन जो कॉलेज में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के जो स्पाउसेस हैं उनको वर्क परमिट नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक तरह से जुगाड़बाजी हो बना ली गई थी। बहुत लोगों ने इस सिस्टम का मिसयूज किया कि हाँ भी नकली शादियां करके कि हाँ भी आप हमारे लड़के को ले जाओ, लड़की को ले जाओ, पैसे ले लो, ये सारा, इसीलिए वो अब कॉलेजेस के बंद कर रहे हैं। पर जो अच्छे और जेन्युइन लोग हैं, जिनकी जेन्युइन शादियां हुई हैं और उनके स्पाउसेस आना चाहते हैं उनके साथ, उनके लिए अब ये ऑलमोस्ट लास्ट चांस बचा हुआ है कि अपने स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन डालने का, क्योंकि आने वाले हफ्तों में ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो फिर आपके स्पाउस, आपके अगर आप स्टूडेंट हैं तब आपके स्पाउस नहीं आ पाएंगे। तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले अगर आपकी स्टूडेंट वीजा की फाइल लगी हुई है और वो भी स्पेशली 22 जनवरी से पहले, तो अच्छी बात है, आप अपने स्पाउस का स्पाउजल ओपन वर्क परमिट भी लगा सकते हो। या फिर अगर हम बात करें कि आपकी आपको ऑलरेडी वीजा आपका आ चुका है कनाडा का स्टूडेंट वीजा, तो तब भी आप अपने स्पाउस की जो स्पाउजल ओपन वर्क परमिट में फाइल डाल सकते हो। जरूरी नहीं कि आप कनाडा में आओगे तभी आपकी फाइल डलेगी। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मे इनटेक के लिए वीजा अप्रूव होके, स्टैंप होके आ चुके हैं। जी हाँ, वो अपने स्पाउसेस की फाइल लगाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। अभी फिलहाल लगा दीजिए, इससे पहले कि आपके पास ऑप्शन बिल्कुल ही बंद हो जाए। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन। बट अगर एक्सेप्टेंस होगी तो आपका स्पाउस आपके साथ ही इंडिया से या जिस भी कंट्री से आप हैं वहां से सीधा कनाडा आपके साथ ट्रैवल कर लेंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो कोई चांस नहीं है। उसके बाद अगर आप कनाडा लैंड अभी किए हैं और आपने अभी कॉलेज नहीं शुरू किया, तब भी आप अपने स्पाउस की स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की फाइल लगा सकते हैं। डज नॉट मैटर अभी लेटर ऑफ एनरोलमेंट मिला है या नहीं, ट्रांसक्रिप्ट मिली है या नहीं। बट हाँ, अगर आपके पास, आप ऑलरेडी कॉलेज में हैं, आपके पास लेटर ऑफ एनरोलमेंट और ट्रांसक्रिप्ट हैं, तो फिर आप और किसी चीज का इंतजार मत कीजिए कि अगर आपने अभी तक स्पाउजल ओपन वर्क परमिट नहीं लगाया। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं। वो लोग हमें ये कह रहे हैं कि यार, हमने स्पाउजल ओपन वर्क परमिट लगाया था पर हमारा स्पाउजल ओपन वर्क परमिट रिजेक्ट हो गया, क्या अब हम अपनी फाइल दोबारा डाल सकते हैं? जी एब्सोल्युटली, आप अभी अपनी फाइल डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ ही हफ्ते बचे हैं इस प्रोग्राम को बंद होने में। विच मीन्स कि अगर आपका स्पाउजल ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज भी हुआ, आपके पास अभी भी चांस है दोबारा उसको अप्लाई करने का। अगर आप अपनी स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की फाइल दोबारा लगाते हैं तो कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए अपनी फाइल को दोबारा लॉन्च करने से पहले, वो मैं आगे जाके आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है जिसकी वजह से लोगों को रिफ्यूज कर रहे हैं, वो है फंड। क्योंकि अक्सर लोग फंड दिखाते हैं अपने स्पाउस के, या कहते हैं कि कनाडा के फंड दिखा दो उससे फर्क पड़ेगा, पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि कनाडा के फंड अगर आप दिखा भी देते हैं, आपका जो मेन एप्लीकेंट है, जो आपका स्पाउस है,
उनके फंड्स यहाँ पे मैटर करते हैं, तो कोशिश कीजिए उनके फंड्स को प्रॉपरली डिक्लेयर कीजिए। दूसरी मेन इशू ये है कि हाँ भाई रिलेशनशिप अच्छी तरह प्रूव नहीं किया होता, जिसकी वजह से भी यू नो स्पाउजल ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज होते हैं। जो लोग वर्क परमिट पे हैं, अगर उन्होंने अपनी जॉब की स्पेसिफिकेशन, जॉब नॉक कोड, टीयर कोड प्रॉपरली मेंशन नहीं किया हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से मेंशन नहीं की हुई लेटर्स पे, तब भी आपका स्पाउजल ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज हो सकता है। ये कुछ खास चीजें और कई बार कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज के प्रूफ, रिलेशनशिप का प्रूफ, आपकी स्टेबिलिटी, आपके टाइज, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्पाउजल ओपन वर्क परमिट लगाते समय ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि अगर इस बार दोबारा रिफ्यूज आपका स्पाउजल ओपन वर्क परमिट हुआ, तो हो सकता है तब तक ये प्रोग्राम ही बंद हो जाए, आपका स्पाउस आपको के साथ कनाडा ना आ पाए। तो मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप हमें अप्रोच करना चाहते हैं, हमारी इंडिया टीम को अप्रोच कर सकते हैं, apply@checkcheckservices.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी डिटेल्स हैं, या फिर आप हमारी कैनेडियन टीम को भी अगर कांटेक्ट करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स A1 सेट हो, आपके जो लेटर्स हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, प्रॉपरली रिटन हो, प्रॉपरली सब लेटर ऑफ सबमिशन उसके साथ लगे, आपके फंड्स सही से डिक्लेयर किए जाएं, और मेक श्योर करने के लिए कि हाँ आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की, वो सारी की सारी मेट हो। इसी के साथ मैं अभी दिखाता हूँ जो हाल ही में स्पाउजल ओपन वर्क परमिट अप्रूव होके आया उसके बारे में। और ये देखिए मेरे पास यहाँ पे स्पाउजल ओपन वर्क परमिट का ही एक ऑनलाइन कॉन्फर्मेशन है। यहाँ पे हमने इनका स्पाउजल, ये यतेंद्र शर्मा का, इनफैक्ट मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये उनका जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमने इनके सबमिट करवाए थे, वो 13 अक्टूबर को करवाए थे, और इसी तरह ठीक 23 जनवरी को इनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और इनकी ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई। ये देखिए ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आपको दिख पा रही होगी स्क्रीन पे, और ये 23 जन को आ गई थी। और ठीक इसी तरह हमारे पास जो केस है वो एमी का भी है, एमी ने हमारे साथ शेयर किए, स्क्रीनशॉट पे आपको आ जाएगा कि उसने शेयर भी किया वीडियो के नीचे, फाइनली आई गॉट वीजा अप्रूव्ड, और उनके स्पाउजल ओपन वर्क परमिट को 110 दिन लगे हैं। तो दोस्तों इनका भी अक्टूबर में एमी का लगा था इनकी फाइल, और इनकी अब देखिए एंड ऑफ जनवरी मतलब बिगनिंग ऑफ फेब्रुवरी में आई थी। तो स्पाउजल ओपन वर्क परमिट के एक्चुअली जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं, लोगों के पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं, बट कुछ लोगों के जिन्होंने सही नहीं लगाए तरीके से, हमें ये भी पता चला कि भी उनके अप्रूवल नहीं आ रहे। तो अगर आपका स्पाउजल ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज भी हुआ है, तब भी आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, apply@checkcheckservices.com, कैनेडा में apply@studybuddycanada.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी हैं, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपकी स्टूडेंट वीजा की ऑलरेडी फाइल लगी हुई है, आप तब भी स्पाउजल ओपन वर्क परमिट लगवा सकते हैं। आपके स्पाउस यानी आपके हस्बैंड या वाइफ का ऑलरेडी कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्रूव हो गया है, तब भी आप स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की फाइल लगा सकते हैं। आपका हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी कनाडा में आ चुका है और अभी स्टडी नहीं शुरू की, तब भी वो अपनी फाइल लगा सकते हैं, और जो पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं वो तो अभी लगा लीजिए, इससे पहले कि ये जो प्रोग्राम है स्पाउजल ओपन वर्क परमिट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बंद हो जाए। आई होप आज की जो वीडियो थी वो इन्फॉर्मेटिव थी, आपको आइडिया लगा होगा काफी इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर पहली बार इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आने वाले टाइम में हम और वीडियोस लेके हाजिर होंगे आपके साथ। इसी के साथ हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।